जो कारगिल था ये बेसिकली um, एक लिमिटेड um, इसको कहें लिमिटेड वॉर था वेरी लिमिटेड इन द सेंस कि पहाड़ों की चोटियों पे 16000 फुट की बुलंदी पे ये दिस वाज फॉट ठीक है एंड दिस वाज अ लिमिटेड वॉर इट वाज मोर ऑफ अ जिसे कहते हैं गोरेला ऑपरेशन इन द माउंटेंस तो ये नहीं कि पूरे मुल्क में हो गया था कोई कोई जंग का माहौल था पाकिस्तान में तो बिल्कुल ही नहीं पता चला था हिंदुस्तान ने तो उनको जब उन्होंने शुरू में तो उनको बहुत उनकी पिटाई हुई थी क्योंकि पाकिस्तान के स्ट्रेटिजिक एडवांटेज था तो जब उस वक्त तो चुप रहे इंडियंस जब उनको जब उन्होंने बहुत अपना असला एयर पावर वगैरह सब और आर्टिलरी इस्तेमाल करके हमें बैक किया उन्होंने उस वक्त दे टर्नड इट इन टू अ कम्प्लीटलीशन वॉर uh, क्योंकि उस वक्त एक इलेक्शन होने वाले थे और वाजपेयी की गवर्नमेंट थी और उन्होंने उसको फिर जो जो उनको लग रहा था कि पाकिस्तान को पुश बैक है फिर उन्होंने उसको बहुत धूम uh, धड़के के साथ उसको ब्रॉडकास्ट किया तो इंडिया के लिए एक वॉर था हमारे लिए फिर भी एक लिमिटेड ऑपरेशन था हमें हमें यही लग रहा था कि मुजाहिदीन लार्जली इन्वॉल्व हैं उसको कॉलम्स भी लिखे uh, इस तरह से कि जैसे ये एक मुजाहिदीन का ऑपरेशन है पाकिस्तान उनको सपोर्ट कर रहा है डिप्लोमेटिकली और पोलिटिकली वो तो फिर बाद में पता चला कि हमारी अपनी फौज इन्वॉल्व थी और उस वक्त मेरा ख्याल है कि पर जून के आखिर तक जून के वस्त आखिर तक फिर कुछ लोग पाकिस्तान में कहने भी लगे कुछ इतारे बात भी करने लगे फॉरेन जर्नलिस्ट के साथ के ये ऑपरेशन की नौीयत क्या है और बट पाकिस्तान की थ्रू आउट पोजिशन ये थी कि इंडिया की तरफ से एल ओ सी क्रॉस हुआ है, तो वी आर रिस्पॉन्डिंग तो बड़ा एक कन्फ्यूज़ पिक्चर uh, थी और ज़्यादा जो पिक्चर थी वो तो यही थी कि इंडिया ने अटैक किया तो उस वक्त पता नहीं था ज़्यादा कि क्या सच कमिटी को ये पता था कि जरा टेंशनस uh, थी बेसिकली गवर्नमेंट के दौरान दरमियान और आर्मी चीफ के दरम्या कारगिल जब जिस तरीके से ख़त्म हुआ था तो जैसे ही ख़त्म हुआ था तो फिर जैसे ब्लेम गेम शुरू हो गई थी इतनी ओपन में नहीं थी लेकिन जनरल को यह पता था कि बेसिकली बिहाइंड द सीन्स ब्लेम गेम है और इट वाज अ क्वेश्चन कि हु विल ब्लिंक फर्स्ट के यू नो फौज की तरफ से कुछ होगा या नवाज शरीफ साहब कुछ करेंगे लेकिन बीच बीच में ये शहबाज शरीफ साहब और चौधरी निसार ब्रिज का रोल अदा कर रहे थे और ये सबको पता था ये चीज़ें सब बाहर लिखा भी जा रहा था इन पे काफ़ी हद तक तो जनरल एक सेंस था कि टेंशन है बीच में लेकिन ये जो कू जब हुआ देट दैट देड, वाज ऑब्वियसली इट टुक एवरीबडी बाय सरप्राइज क्योंकि जनरल मुशरफ तो गए हुए थे श्रीलंका और कोई लग रहा था कि जनरल मुशरफ की जो कुछ डिमांड थी कि मुझे चेयरमैन जॉइंट चीफ भी बना दें आर्मी चीफ भी वो रहें वो भी पूरी हो गई फिर उन्होंने चाह कि एक कोर कमांडर थे उनको भी हटा दिया जाए वो भी पूरी हो गई तो लग ये नहीं रहा था कि उस एक कू हो जाएगा लेकिन जब फिर इनको जो भी नवाज शरीफ साहब को जो भी वजह थी जो भी उनको ख़बर मिली फिर उन्होंने तय किया कि जन मुशरफ़ को रिमूव कर देंगे और जब उन्होंने रिमूव करना चाहा तो वो सबको मालूम है वो जन मुशरफ और जिंदी येर लेकिन जिस तरीके से आर्मी ने रिएक्ट किया फिर ऑन द ग्राउंड इवन वन दर्मी चीफ ऑफ जिंदी एयर तो लग ऑब्वियसली इनकी तैयारी हुई थी या क्या के अगर कोई अटैम्प्ट ऐसा होगा तो फिर यू नो वी विल मूव वन टू रिमूव द प्राइम मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर ने भी ये किया था कि जिस तरीके से उन्होंने उनके पास पावर तो थी ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी तो थी उनकी के आर्मी चीफ को रिमूव कर दें लेकिन फिर जिन हालात में वो रिमूव हुए वो जहाज में वो श्रीलंका में थे फिर इन्होंने उनके जो आई एस आई थे डी जी आई एस आई उनको उन्होंने कहा कि अपने प्राइम मिनिस्टर हाउस में उनको वो पहना दिए पिप्स के पिप्स दैट ही इज द न्यू स्टार्स पहनाए के इज़ द आर्मी चीफ और फिर सडनली बड़ा वहाँ से रिस्पॉन्स आया कि फ्रॉम द जी एच क्यू एंड दे के इन एंड टुक ओवर और हम मैं उस दिन एक्चुअली उस दिन कहाँ थी उस दिन आई वो सपोज हैव अ मीटिंग में छबाज शरीफ साहब लेकिन फॉर सम रीज़न मेरे वालदा का कोई और प्लान था तो मैं उनके साथ चलेगी नहीं तो उस वक्त आई वु बीन इन साइड द पी एम हाउस तो uh, उसकू के दिन ये दिस इज़ वॉट हैपन यू नो हम जब वापस आए उस ड्राइविंग बैग को मैं मदद हो तो मैंने देखा बाहर इतनी uh, लोग जमा थे तो पता चला कि बाई दैट टाइम ट्रिपल वन ब्रिगेड के लोग आके अंदर जाके पी टी वी दैट टेक इन ओवर और uh, उस वक्त मेरा ख्याल है जो आर्मी चली गई हुई थी जो मिनिस्टर्स वगैरह थे पीपल लाइक मुशाहिद हुसैन वगैरह उनके हाँ फिर डॉक्टर शीन मजारियन मैसेलरी वॉक टू तो हिज हाउस करीब ही था कोई आधे मील पे वहाँ हम गए और वहाँ जाके हमने फिर एनी वे बाई दैट टाइम थी आर्मी आ चुकी थी वहाँ उनके शीशे विशे टूटे हुए थे घर के तो हमने ज़रा फर्स्ट हैंड वीट विटनेस दैट